जिसमें लेडीज हम साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं, किसी की पत्नी किसी की बहन, हम सब साथ में मिलकर जाते हैं। हमारे रतन सिंह जी वहां ओसिया से 100-100 लोगों की बसें लेकर आते हैं, बाबू कंवर जैसी कितनी 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 लड़कियां हैं जो हमारे साथ मिलकर इस बिजनेस को बना रही हैं। मैं आपसे आज एक खुले तौर पर कह रहा हूं, मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, कभी भी अगर कहीं स्पाउस के साथ किसी के साथ मैसअप हुआ ना, मोदी केयर तो बाद में निकालेगा, मैं मेरी मीटिंग में तो कभी जिंदगी में नहीं आने दूंगा साथ। Yes. आपको पता है हमारे जब हम संकल्प करते हैं, हमारे संकल्प में कोई दारू पी के नहीं आ सकता, हमारे संकल्प में कोई जर्दा खाने वाला इंसान नहीं आ सकता, कोई सिगरेट पीने वाला नहीं आ सकता। अभी करने वाला हूं मैं वापस, बहुत जल्दी डेट अनाउंस करूंगा, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस करते हैं हम। क्यों? क्योंकि अगर हम हमारे जीवन में इतना सा संयम नहीं पाल सकते, अगर हम सप्त व्यसन नहीं छोड़ सकते, तो बाकी तो हम क्या पाएंगे फिर यार, मनुष्य जीवन तो वैसे निपटने वाला था। फिर इतने लोगों को छाटने की तो जिम्मेदारी मेरी भी नहीं है। Yes. समझ रहे हैं आप? नेवर एवर मेसअप विद एनीबडी ईगो स्पाउस एंड मनी। कभी किसी के पैसे के साथ मेसअप नहीं करना, 1 रुपया भी किसी को उधार में चीज नहीं देना, उधार में लेना नहीं। अगर आज आप आए हो ना, सामने वाले ने अगर आपके 50 रुपए का टिकट दे, यहां निकलने से पहले उसको 50 रुपए देना, आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। आज आप सोचोगे मैंने 50 रुपए बचा लिए चालाकी से, आपको पता नहीं कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको। मैं आपको सच बताऊं, मेरे दिल से पूछो ना, मैंने मेरी जिंदगी में रिश्वत के पैसे भी लाया हूं घर में, और मैं आपको बता नहीं सकता उन पैसों ने मेरी जिंदगी में क्या किया। आज मैं 1 रुपया मेरे घर में ऐसा नहीं चाहता जो अनवांटेड हो। मैं 1 रुपया ऐसा लाने के लिए प्रयास नहीं करता जो अनवांटेड तरीके से मेरे घर में आए, क्योंकि आपको इसका अंदाजा नहीं है। आज शायद आप हो सकता है आप खुश हो जाए। आज जितने लोग हैं ना, जिन बड़े बड़े घोटाले बड़े बड़े घपले जो आप तो लोग सुनते हैं, आपको लग रहा है आज ये अरबपति हो गए, आज ये मजे कर रहे हैं, आज इनके प्लेन उड़ रहे हैं, आज इनके ये हो रहे हैं, आपको इसका अंदाजा भी नहीं इनको कितने जन्मों तक इसका भुगतना पड़ेगा, इसका अंदाजा भी नहीं अभी आप। जिस दिन आप थ्योरी समझ लोगे ना, इस दिन कांपने लगोगे आप। थैंक गॉड मेरे ऊपर वाले ने ऐसी यही इस जीवन में सीखने को दे दिया। मैंने वो भी करके देखा और इस वक्त के पैसे भी लाकर देखा, उसने मेरे साथ क्या किया ये भी मैंने देखा। इससे किसी का 1 रुपया भी, और हमारे बिजनेस में तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, हर मोदी केयर आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगता एडवांस, समझ रहे हैं आप? कोई आपसे मोदी केयर के नाम पर 1,00,000 रुपए ले जाए, उससे बिल मांगो, भैया मोदी केयर का बिल दे मेरे को, क्योंकि मोदी केयर बिना बिल के 1 रुपए की चीज नहीं देता, समझ रहे हैं आप? हो सकता है वो 1 दिन 2 दिन क्योंकि वो टीपी चलाता है वो करता है, लेकिन 1 रुपए का ही मेसअप नहीं करना कभी किसी के साथ, कभी किसी को उधार नहीं देना इस बिजनेस में, अपनी डाउनलाइन को भी उधार नहीं देना कभी, मैं आज कह रहा हूं आपको, कभी किसी की मदद नहीं करना। मैं आपको पता है ये बात क्यों कह रहा हूं आज यहां स्टेज से, आज आपने उसकी मदद कर दी ना, कल गायब हो जाएगा बिजनेस से। हमारे बिजनेस का रूल यही है, मदद करो तो ये सोच के करना कि ये गया, ये मेरे ये डूब गया, मैंने मान लो 1,00,000 रुपए की मदद कर दी किसी की, मैं भूल जाऊंगा, मैं करूंगा नहीं, लेकिन क्योंकि मैंने सीखा है 20 सालों में, इसमें मेरा बहुत बहुत एनर्जी गई है ये सीखने में, मैं बहुत रूड हूं इस मामले में, क्योंकि ये 20 साल में मैंने सीखा है, समझ रहे हो? नेवर एवर मेसअप विद एनीबडी ईगो स्पाउस एंड मनी, ये रूल है हमारे बिजनेस का। समीर जी तो बिजनेस से बाहर निकाल देंगे आप, टर्मिनेट कर देंगे आपकी आईडी। मोदी केयर में अगर आपने कुछ मेसअप किया या अमित जी बैठे हैं, कोई कंप्लेंट चली गई ना, ये एक लेटर भेजेंगे आपको, नमस्ते कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता समीर मोदी जी को, आप कितने बड़े हो, कितना बड़ा बिजनेस आपने किया है, उनसे बड़े नहीं हो आप, वो 64,000 करोड़ के ऑलरेडी, समझ रहे हैं आप? पहला रूल क्या है, कभी किसी की ईगो को हर्ट नहीं करना, मेरे साथ बोल सकते हैं? Yes. कभी किसी की ईगो को हर्ट नहीं करना, कभी किसी की स्पाउस के साथ मेसअप नहीं करना, कभी कैश का जो लेन देन है वो एकदम ट्रांसपेरेंट रखना, कैश का लेन देन कैश में, समझ रहे हैं? प्रोडक्ट का लेन देन कैश में, डोंट मेस अप इन एनीबडी कैश। दूसरा
rule. Never pass any negative to your downline and coastline. कभी किसी डाउनलाइन को कोई नेगेटिव पास नहीं करना, बहुत बड़ी मिस्टेक है ये। हमारे बिजनेस में बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग। हम चार जने बैठे हैं, चार लोगों को हमने ज्वाइन कराया, अब हम उसके साथ नेगेटिव नेगेटिव खेल रहे हैं। अच्छा तेरे साथ भी ऐसा हुआ क्या, मेरे तो उसने बिजनेस छोड़ दिया यार, वो देख वो कंपनी के साथ वो था, वो उस कंपनी में चला गया, उसने वो चला, तेरे को क्या मतलब है इससे। सबकी अपनी अपनी नियति है ना, तुम अपने बारे में सोचो ना यार। इस बिजनेस में ऐसा बहुत होगा क्योंकि 130 करोड़ जनता है। आपको पता है हम 130 करोड़ है फिर भी हमारी शक्लें एक जैसी नहीं है, हैं? अरे शक्लें छोड़ो, हमारे अंग एक जैसे नहीं है। यहाँ इतने लोग बैठे, सबके आगे एक जैसी है, सबके बाल एक जैसे हैं, सबके कान एक जैसे हैं। अरे जब वो ऊपर वाला आपको एक जैसा नहीं बना सका, अरे यार कमाल की बात है, तुम उम्मीद कर रहे हो कोई दूसरा भी तुम्हारे जैसा होगा। सब एक्सक्लूसिव है, सब नगीने नगीने छाट के बैठे ऊपर वाले ने। सब नगीने, तो डोंट नेवर एवर पास एनी नेगेटिव। कभी किसी के बारे में गॉसिपिंग करने की जरूरत नहीं। नेगेटिव कभी भी डाउनलाइन को तो पास करना ही नहीं, और क्रॉस लाइन को तो भूल के भी मत करना। हम पता है क्या सोचते हैं, ये तो मेरी टीम में ही नहीं, इससे क्या फर्क पड़ेगा। हम सोचते हैं इसको इसको कर दो, इसका बिजनेस डूब जाएगा। आपको पता नहीं भाई साहब, वो आपके डाउनलाइन को देगा फिर। समझ रहे हैं आप, नेवर एवर पास एनी नेगेटिव टू योर क्रॉस लाइन एंड डाउनलाइन। एंड थर्ड, नेवर डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। कोई भी काम अगर आप इस बिजनेस में पहली बार कर रहे हैं, पहले अपने अपलाइन। इसीलिए इस बिजनेस में एक सिस्टम बनाया है, जो व्यक्ति आपको लेकर आया ना वो आपको करना सिखाएगा। किसी को हलो भी करना है ना तो वो आपको करना सिखाएगा। प्रोडक्ट डेमो दिखाना है वो आपको करना सिखाएगा। प्लान दिखाना है वो आपको करना सिखाएगा। पहली बार कोई भी काम कर रहे हो ना, अपने अपलाइन से पूछ के करो, क्योंकि वो उसको उसको वो एक्सपीरियंस है। चाहे भले वो आपसे एक दिन ही सीनियर हो, चाहे वो आपसे एक घंटे सीनियर हो भले, और वो आपके अपलाइन है। इस बिजनेस ने इतना बढ़िया सिस्टम बना रखा है कि जो ये जो अपलाइन डाउनलाइन, ये सिस्टम है ना इस बिजनेस का, इतना प्योर है, इतना पावरफुल है, तो अगर कोई इन तीन रूल को ब्रेक नहीं करे ना, तो मैं आपको बता रहा, बाकी कुछ सीखे नहीं सीखे वो इस बिजनेस में जीआरटीसी बन जाएगा। अगर वो इन चीजों को फॉलो कर लेगा ना, तो बाकी तो फिर चक्री घुमाने वाला ऊपर बैठा भाई साहब। आपकी साफ नियत है, पवित्र मन है, शुद्ध भाव और सार्थक कर्म है, और दुनिया की कोई ताकत आपको सिरमौर बनने से रोक नहीं सकती। समझ रहे हैं आप, वही ताकतें हैं जो एक इंसान को आम इंसान बनाती है, और वही ताकतें हैं जो एक इंसान को सक्सेसफुल बनाती है। यस, विद दैट थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। माफी चाहते हैं हम आप लोगों के साथ।